नमस्कार आ जाइए आदित्य जैन साहब तो ये आदित्य जैन सर हैं तो ये अभी आप लोगों को जो मार्गदर्शन चाहिए वो सर अपना उपलब्ध कराएंगे ही तो एक हम लोगों का जो प्रोग्राम था कि हम लोग एक मेंस के टेस्ट को ये जिस जिसके लिए मैं अक्सर वरिड रहता था कि किसी भी सेलेक्टेड का हम उपयोग तभी कर पाएंगे जब मुख्य परीक्षा के लिए उसकी तैयारी के लिए कर पाए प्रीलिम्स के लिए तो जो गाइडेंस है इंस्टीट्यूट की तरफ से टीचर्स की तरफ से वो प्रोवाइड कराया ही जाता है बाकी आपकी खुद की मेहनत है प्रैक्टिस है उसमें है लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट का काम होता है जो कंटेंट के साथ में स्किल जो आप डालते हो और उसके साथ में जो प्रेजेंटेशन का काम बनता है किसी भी मुख्य परीक्षा के लिए वो बहुत सारे रिस, सोर्सेस से आता है उसमें टीचर्स के अपने एक्सपीरियंस होते हैं उनका होता ही है उसके साथ में जो सेलेक्टेड के अपने एक्सपीरियंस हैं वो बड़ा काउंट करता है तो हम लोग ये ये बार बार कोशिश कर रहे थे कि ताकि ये किसकी कंटिन्यूटी दिया जा सके आदित्य जी भी अपना ये बार बार कह रहे सर कब आए कब आए तो टल ही रहा था कार्यक्रम और इस बीच में मैं चाह रहा था कि इसी बीच में लगे कार्यक्रम मंडे ट्यूसडे को तो ठीक रहता है सैटरडे तक थोड़ी सा स्थिति खराब हो जाती है तो आ, लेकिन आ, समय की उपलब्धता नहीं हो पाती है तो सैटरडे संडे की ही उपलब्धता रह पाती है आ, इतने हेक्टिक्स जॉब में शेड्यूल में तो बाकी सैटरडे संडे का फ्रिक्वेंटली हम लोग कार्यक्रम बना ही रहे हैं और आदित्य जी आते रहेंगे अपना मार्गदर्शन के लिए और मेंस के लिए तो आप आ करके कुछ जो भी क्वेरीज हैं या इसी तरीके से हम लोग अपनी कुछ बात कर नहीं यहाँ पे एक्चुअली लाइव हो रहा है क्लास ठीक है हाँ मेरा मेरा नाम आदित्य जैन है मैं अभी सीहोर में डिप्टी कलेक्टर हूँ मैं 2014 हजार टाइम हो गया है क्योंकि अब तो इक्कीस बी एस चल रही है या बीस चल रही है तो मुझे तो टाइम बहुत हो गया है पैटर्न भी शायद मैंने सुना है कि चेंज हो गया है कि हमारे टाइम पर जो मेन्स का पैटर्न होता था वो थोड़ा सा चेंज हो गया है अभी कुछ बच्चे मेरे पास सीहर में आए थे तो उन्होंने बताया कि सर पहले पंद्रह नंबर वाला क्वेश्चन होता था वो शायद ग्यारह नंबर का हो गया है तो छः वाला होता था वो शायद पाँच का हो गया है और तो तीन वाला एज़ इट इज़ है मेन्स में ऐसे तो उन्होंने बताया कि कुछ कुछ चेंज हो गया है तो ठीक है अपन एक जनरल बात कर लेंगे क्योंकि मैं इतना अपडेटेड तो नहीं होने नए पैटर्न से क्योंकि मैंने चौदह में दिया था तो पहले तो अगर हम इधर आ जाओ ठीक है पहले तो अगर आप लोग की कोई क्वेरीज हो तो आप वो मेरे से पूछें तो मुझे पूछे तो एक माइंड पता पड़ेगा कि आप लोग का माइंड क्या है तैयारी का तो अगर कोई अगर कुछ पूछना चाहे कि आप लोग का माइंड क्या है अपन मेन्स ओरिएंटेड बात करें ना सर मेन्स औरिएंटेड क्योंकि प्रेम्स का तो कोचिंग में अभियान में मैंने अच्छा दे रहे हैं गाइडेंस सभी को और पिलिम्स थोड़ा तो अनफॉर्चुनेट भी रहता है एमपी का तो मेंस में मैं थोड़ा जानना चाह रहा था बच्चों से कि आप लोग का माइंडसेट क्या है तैयारी कैसे कर रहे हो आप लोग पेपर तो अभी छः ही होते हैं है ना छः पेपर जो पहले होते थे छः पेपर हो रहे हैं सिलेबस भी लगभग लगभग सेम है जो मुझे अभी किसी ने भेजा था तो मैंने उसको गो थ्रू किया था तो जो मेरे टाइम पर था लगभग लगभग नाइन्टी परसेंट वही सिलेबस है तो मैं एक बार जानना चाह रहा था कि जैसे अगर कोई बताएं बच्चे कि आप लोग कैसे माइंडसेट कैसा है आप मेंस की तैयारी कर कैसे रहे रहें हाँ, अपन ये क्वेश्चन हाँ, आप लिखते हो अच्छा तो मतलब जो यहाँ से क्वेश्चन मिलते हो उसका प्रॉपर आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं और कोचिंग से सर उसको चेक करके मार्किंग उसकी हो रही है कहना है ठीक है हाँ तो बस मैं यही जानना चाह रहा था कि आप लोग थोड़ा सा इस ट्रैक पे हैं कि नहीं कि एग्ज़ाम का मूल मंत्र क्या होता है आप कोई भी एग्ज़ाम अगर है और बुक उठा के एक बार पढ़ने लगोगे आपने बुक लिस्ट ले ली कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है जोग्राफी पॉलिटी केवल बुक लिस्ट लेके आप बुक पढ़ते जाओगे लेकिन आप ये कोरिलेट नहीं करते तो एग्ज़ाम में सभी बच्चे लगभग लग सिलेबस लग कम्प्लीट करते हैं एम में चार लाख बच्चे देते हैं फिर फ़िल्टर होके दस हज़ार पंद्रह हज़ार मेज देते हैं फिर फिल्टर हो गए तीन हज़ार इंटरव्यू देते हैं और कुछ पाँच सौ छः सौ बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो आपको फिल्टर प्रोसेस में आप कैसे फ़िल्टर हो गए आपको यही क्रैक करना है बस एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा आपका है ना कि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो बच्चे सब ने वही पढ़ा है फिर कैसे आप निकलोगे आपको बस ये क्रैक करना है है ना तो आप वो क्रैक कैसे करोगे कि भाई एग्ज़ाम का मूल मंत्र क्या है सबसे पहला मूल मंत्र होता है सिलेबस अगर आपको सिलेबस याद नहीं है तो आप कभी कोलरेट आपने मान लो कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो आपने अगर हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक पढ़ा तो आपको सिलेबस ठीक से दिमाग में नहीं तो आप ये कैसे कॉलेट करोगे कि मैं लिखूँगा कहाँ एग्ज़ाम में ये तो आपको पता है कि हाँ ये है है ना आपको पता है मुगल एम्पायर पूरी क्रोनोलॉजी आपको है ना बाबर अकबर से लेके सारी आपको पता है लेकिन आप लिखोगे कहाँ ये आपको पता होगा वहाँ आप लिखाओगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे है ना और जो नहीं लिख पाएगा घर आके सोचेगा यार यारे तो पढ़ा था मैंने मुझे आता था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ लिखना है इसको तो वो उसके नंबर कट हो जाएंगे तो आपको सबसे पहले सिलेबस आप स्टार्टिंग में जब तैयारी शुरू करते हो ना आप पाँच छः दिन सिलेबस ही सलेबस देखो आपको ये नहीं देखना कहाँ से पढ़ना क्या आप सिलेबस को देखो कि क्या क्या है है ना जब मेरे टाइम जो सिलेबस था मुझे आज भी याद है कि हिस्ट्री में सबसे ऊपर लिखे थे छः टॉपिक है ना वर्ल्ड हिस्ट्री के है ना फ्रांसीसी क्रांति और ये अपना इंग्लिश रेवोल्यूशन और ऐसे करके छह टॉपिक थे फिर उसके बाद एन सी एन में डाइवल के टॉपिक फिर मॉडर्न के टॉपिक फिर दूसरे पार्ट में जोग्रफी थी जोग्रफी वर्ल्ड के कुछ टॉपिक थे फिर ऐसे फिर सेकेंड पेपर में आपका पॉलिटिकल साइंस था, था और ये था फिर थर्ड पेपर में आपका इकनॉमिक्स है और जनरल टॉपिक्स थे मैथ्स थी रीजनिंग थी फिर एथिक्स था चौथा पेपर हिंदी में ये था आपको मतलब अब मैं तो छः साल पाँच साल हो गए तो मुझे थोड़ा थोड़ा गायब भी होने लगा दिमाग से लेकिन आपको पूरा रहना चाहिए यार सिलेबस के एक एक टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक ट्रिप्स क्या है ट्रिम्स क्या है ट्रेड रेट इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है ये आपको जब पता रहेगा कि ये सिलेबस में है तो आप कहीं न्यूज़ पेपर पढ़ोगे उसमें देख लोगे कि क्या डेवलपमेंट है तो आपको याद रहेगा कि थर्ड पेपर में आएगा तो आपको सबसे पहले सिलेबस को मतलब आपको अपना बाइबल मान लेना है कि सिलेबस ही गीता है सिलेबस ही बाइबल है आपको ये मान के चलना है कि सिलेबस आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बाद आपको अब सिलेबस आपने देख लिया आपको पता है कि अब कोरिलेट कैसे करना है तो आप लास्ट ईयर के पेपर देख लो आप एम के तो बीस पच्चीस साल के पेपर मिल जाते हैं जी एस के तो लगभग सेम ही रहता है कि जो चार पाँच सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री पॉलिटी जोग्रफी कभी बदलते नहीं है तो आप वो चार पाँच छः सब्जेक्ट के तो आप देख सकते हो बीस साल के पेपर के यार एक सेट पैटर्न है लगभग लगभग इधर इधर ही जाता है तो आपको वो भी थोड़ा सा फिल्टर कर लेना कि हाँ मुझे तो यहाँ यहाँ से तैयारी करें वैसे ये सब जो चीज़ है ना ये कोचिंग का यही फ़ायदा होता है बस सर लोग हमसे मिलेंगे सर खुद दिए हुए हैं ऐसे मिलेंगे बैठेंगे चर्चा करेंगे कि हाँ यार ये टॉपिक आजकल है पाँच साल से आ रहा है है ना इसके चांसेस हैं ये नहीं आया ये तो हम लोग जो पेपर सेट अगर कोचिंग घर वाले कर कोचिंग से करते हैं तो हम एक प्रोबेबिलिटी डिफाइन करके करते हैं कि ये ये क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो आपको जो आप घर पर चार घंटे पाँच घंटे मेहनत करोगे कि यार लास्ट ईयर के पेपर वेपर तो वो सब रेडी मटेरियल आपको कोचिंग वगैरह से मिल जाता है कोचिंग से आप प्रोवाइड कराएंगे सर है ना कि आपको ये फ़िल्टर करके कि प्रॉबिलिटी क्या क्या आ सकता है किन टॉपिक से आ सकता है तो वो लेंगे तो दो चीज़ें मैंने बताई कि सलेबस और लास्ट ईयर पेपर्स आपको टिप पे होना चाहिए कि मतलब आप लास्ट ईयर पेपर भी आपने इतने देख लियो कि आपको पेपर देख के याद आ जाए कि आपने कहीं अगर कोचिंग में कोई क्वेश्चन आपने टेस्ट सीरीज़ दी तो आप देख के आपको पता होना चाहिए अच्छा ये तो पी एस में आया था आपको याद आ जाना चाहिए यार ये तो पी एस में आया था क्योंकि आपके पास और कोई तरीका नहीं है कि कौन सी चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाएगी तो आपको केवल सिलेबस लास्ट ईयर पेपर ये तो कंठस्ट होने चाहिए उसके बाद आप फिर पढ़ना शुरू करना है आपको टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ भी सारी क्लासेस हो रही होगी पूरे सिलेबस छः पेपर की कंटिन्यूस क्लासेस चल रही होंगी क्लासेस को आपको ध्यान से पढ़ना है कर जा जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज़ करना है मैं मैं बता रहा हूँ कोई भी एग्ज़ाम हो आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है है ना कोई बोलेगा कि यार ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है ना लेकिन कहीं ना कहीं सिलेबस से कोई रिलेट करके रहता है कहीं ना कहीं वो रिलेट करके रहेगा तो आपको सिलेबस पता रहेगा कि आपको पढ़ना है अब सिलेबस से बाहर तो आएगा नहीं है ना कि बहुत कम चांसेस हैं कोई एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आपको तो मैगजिम नाइन्टी परसेंट पर फोकस करना है साठ परसेंट आपके नंबर आ गया तो आप टॉप कर जाओगे मेरे मैंने एग्जैक्ट सोचा था कि मेरे साठ परसेंट नंबर आ जाएं चौदह सौ का पेपर होता है आठ सौ चालीस मेन्स में होते हैं और टोटल मिला के नौ सौ साठ होते थे नौ सौ उनसठ नंबर आ गए थे दस भी रैंक आ गई थी और पोस्टिंग भी हो गई तो आपको ये नहीं कि आपको सौ परसेंट अटैम्प्ट आपको कोशिश करनी सौ परसेंट की क्योंकि तो आप आप अगर आपका सौ नंबर का छोड़ गया तो मार्किंग तेरह सौ में से हो जाएगी तो आपको अटैम्प्टो तो चौदह सौ का करना है कोशिश करनी है कि ब्लफ नहीं करना है ना अकबर पूछ रहा तो बीरबल नहीं लिखना है ब्लफ नहीं करना है लेकिन आपको कोशिश करना है कि हमारी तैयारी ऐसी रहेगी फोर्टीन हंड्रेड अटैम्प्ट कर लें है ना तो एक तो ये सरसरा रहा है कि आपको कैसे तैयारी करना है थोड़ा सिलेबस पुराने पेपर टेस्ट सीरीज सब देख के आपको तैयारी शुरू कर देनी है है ना फिर आपका सिलेबस और आप आंसर राइटिंग को बहुत टाइम दो है ना आप अगर आप बोलोगे मैंने प्रैक्टिस नहीं करी मैं सीधे जाके एग्जाम में लिखूँगा तो आप नहीं कर पाओगे मतलब जो आपको तीन मेरा मैंने जैसे मेरा फोकस ज़्यादा रहता था लिखने पे टेस्ट देने पे जैसे सर ने मुझे बताया कि आज टेस्ट का डे था तो बच्चे कम है तो मुझे थोड़ा वो लगा कि बच्चे कम टेस्ट में नहीं होने चाहिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको टेस्ट आए ना आए आपको टेस्ट लिखना चाहिए तब आपको पता पड़ेगा कि आप कितने पानी में हो है ना टेस्ट आप मत छोड़ो क्योंकि ये रैंकिंग तो आपका कुछ डिसाइड नहीं करेगी कोचिंग में कि इनके ज़्यादा है या इनके ज़्यादा है डिसाइड तो वो मेरिट करेगी पीएससी की कि आपको जॉब मिलनी है कि नहीं मिलनी है आप टेस्ट मत छोड़ें टेस्ट कोचिंग में जो प्रिपेयर करते हैं ना बहुत एनालिसिस करके बहुत मेहनत से टेस्ट तैयार किए जाते हैं यहाँ पे है ना फिर कभी अगर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ भी जाएगा तो आपको यही मलाल रह जाएगा कि हमने कोचिंग में हमारे बताया भी था टेस्ट में भी दिया था हम अगर टेस्ट देते तो मुझे तार... और क्या रहता था कि आप कितना भी बुक से पढ़ लो लेकिन जो आपने टेस्ट में लिखा है वो आपको याद रहेगा एग्ज़ाम के डे तक अगर आपने कोई एक ऑब्जेक्टिव पीएससी प्री का मैं बता रहा हूँ अगर आपने कोई ऑब्जेक्टिव पेपर यहाँ कोचिंग का टेस्ट का दिया है है ना उसके सौ क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं फिर आपके मान लो आंसर सीट आ गई फिर आपने वो सौ क्वेश्चन मिलाए हैं और उनको थोड़ा थोड़ा गूगल कर लिया या देख लिया कि कहाँ से ये आया है तो आप वो सौ क्वेश्चन भूल नहीं सकते वो आपकी मेमोरी में रहेगा आप ऐसे भूल जाओगे कि मैं तुरंत पूछ लूँगा कि इस क्वेश्चन का क्या था तो आप भूल जाओगे लेकिन आपको याद रहेगा कि मैं ऑप्शन दूंगा और आप अगर एम में वो आ गया तो आपको आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा वो सही टिकट टिक करोगे उसको तो आपको टेस्ट तो देने हैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप पढ़ रहे हो टेस्ट पोर्सन आप उतना कवर करते जाओ है ना हाँ 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 हा, हा, देखो एम पी एम पी पी एस सी का ऐसा है एम पी पी एस सी में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है है ना कहीं किसी ने ये तो बोल नहीं दिया कि बोर्ड बंद हो गया है ना बोर्ड तो चालू है ना एम पी पी एस सी आयोग चालू है ना वो तो कराएगा एग्ज़ाम है ना वो एग्ज़ाम मेरा जो एग्ज़ाम था ना मैंने चौदह दिसंबर में फॉर्म भरा पी एस सी का पंद्रह में मैंने फिलिम्स दी सोलह में मैंने मेन्स दिया फिर उन्होंने बोला अब इंटरव्यू होगा फिर बोला नहीं होगा फिर जाके वो नवंबर सोलह में इंटरव्यू हुआ है ना फिर वो सितंबर सोलह में इंटरव्यू हुआ नवंबर में रिजल्ट है। मतलब मेरे एग्जाम में साढ़े चार साढ़े तीन साल लग गए तो वो तो पैटर्न है वो तो आप जब आए आए हो पी में तभी आपको पता है है ना लकीली कभी एक साल में हो जाता है लेकिन होगा एग्ज़ाम लेकिन आप ये है ना कि आप तैयार कितने हो आप जब बोलोगे कि आप अगर ये सोच लोगे कि जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा अब मैं तैयारी करूँगा तो आप उन बच्चों से कॉम्पीट कैसे करोगे जो बेचारे दो साल से तैयारी कर रहे हैं है ना तो आप नेगेटिव तो होना नहीं है मतलब आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो आप नेगेटिव ना हो अगर आप में कैलेवर है आप अच्छे से पढ़ रहे हो अपना हंड्रेड परसेंट दे रहे हो तो आप कहीं ना मेरे साथ तो इतने सारे तैयारी कर रहे थे लगभग कहीं ना कहीं सभी सभी सेलेक्ट हो गए हैं है ना कि जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे लगभग लगभग सभी सेलेक्ट हैं कहीं ना कहीं एम कैडर में भी बहुत सारे हैं राजस्थान में हैं है ना बहुत जगह हैं तो आप ये नेगेटिव तो आप बिल्कुल ना हो जाए कि एग्ज़ाम नहीं होगा या कुछ सोचना ही नहीं है और अगर किसी के पास रूट बी तो है नहीं दूसरा रास्ता है नहीं है ना करना यही है आप लगे रहो आराम से है ना गाइडेंस आपको सर लोग गाइड दे गाइड कर ही रहे हैं सर ने इंटरव्यू भी दिया है यू का तो अच्छे से आपको क्या चाहिए स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी तो थोड़ा हर किसी की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है है ना तो ये। मैंने स्ट्रैटेजी तो मैंने जैसे पहले गूगल सर्च वर्च किया सब कि कैसे पढ़ना है तो लोगों ने बताया एनसीईआरटी पढ़ना है तो पहले एनसीईआरटी पढ़ी पहले क्या रहता है कि आप तैयारी करते हो ना तो आपको एक सीधा सीधा पाथ नहीं मिलता है पहले तो आप थोड़ा थोड़ा किसी ने लाइन से सी आर टी पढ़ो किसी ने हाँ कुछ इधर पढ़ो उधर पढ़ो फिर धीरे धीरे आप मैं बताया ना स्ट्रेटजी आपकी सिलेबस से और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से बनेगी फिर मुझे भी किसी ने बताया कि यार तुम एग्ज़ाम देते हो निकलता नहीं तुम्हारा एग्ज़ाम तुम बस एग्ज़ाम दे के आ जाते हो मेरे भी मुझे भी जैसे इधर में बताने आया ना तो मुझे कोई मेरा एक दोस्त मिल गया जो अच्छा था पढ़ाई में है ना उसने पहले भी एग्ज़ाम क्रैक किया आई 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 टी से था वो तो बोला यार तू एग्ज़ाम देने जाता है है ना और एग्ज़ाम दे के आ जाता है तो रिजल्ट आता है तू देख लेता फेल हो गया तो देख फर्क ही नहीं पड़ता कुछ तो उसने बताया कि तेरे क्यों नहीं निकलते तो बोले तूने कभी सिलेबस देखा कभी पुराने पेपर देखे कभी कुछ स्टेट, स्टेटाइज़ किया तो बस यही स्ट्रेटजी है आप सिलेबस देखो ओल्ड ईयर पेपर देखो और बेसिक से बेबी स्टेप लेके पढ़ना स्टार्ट कर दो हाँ।, हाँ हाँ और क्या है न आपको हाँ 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 चेंज हुआ था नहीं अब मेरे मेरे साथ क्या था कि मैंने जब तेरह तक एम नहीं दिया क्योंकि दो ऑप्शनल होते थे मैंने चौदह से देना स्टार्ट किया कि पूरा जी एस बेस्ड हो गया तो आपको तो जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वैसी स्ट्रेटजी बना के तैयारी करनी है नवीनता मतलब अगर एक आधा आप क्वेश्चन बताओगे तो मैं बताऊंगा कि नवीनता के जैसे क्या ऐड हो गया नए सिलेबस में हाँ देखो हाँ वही मैं बता रहा था चलो स्किप हो गई हाँ कि आप एग्ज़ाम में जो मैंने बताया था आपका चार सौ का अटैम्प्ट होना चाहिए चौदह सौ का अटैम्प्ट होना चाहिए तो चौदह सौ का अटैम्प्ट कैसे करोगे ये भी तो एक आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए है ना तो आप वो स्ट्रेटजी आपकी कैसे बनेगी जब आप यहाँ आके टेस्ट सीरीज़ दोगे है ना जब आप यहाँ की टेस्ट सीरीज दोगे टेस्ट तो सर उसी पैटर्न पे बनते होंगे है ना हाँ, हाँ हाँ अच्छा हाँ ये इतने अच्छा मतलब टॉपिक भी डिसाइड कर दिए अच्छा हाँ हाँ हाँ, हाँ अच्छा अब अब ती, अच्छा तीन तीन ती सौ नंबर का जो जैसे पेपर है तो डिसाइड कर दिया कि दस यूनिट में अच्छा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो लेकिन उतने ही है ना आप हाँ हाँ आगे हाँ 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 पहले क्या होता था हम लोगों के टाइम पे कि ऐसा हो जाता था कि पूरे सिलेबस में से एक टॉपिक टॉपिक पे एक सौ अस्सी नंबर का पूछ लिया बाकी से एक सौ बीस पूछा तो आप कहने का मतलब ऐसा कर दिया कि हर टॉपिक से बराबर नंबर का पूछेंगे एक कल कर दिया तो आपको आप ए, आपके साथ बस आपको फिर स्ट्रेटजी में ये रखना कि मुझे हर टॉपिक को बराबर कर, कवर करना है, है ना जैसे हम लोग का कुछ रहता था कि यार इस टॉपिक से पूछते ही नहीं है कभी नहीं पूछा अभी भी नहीं पूछेगा तो छोड़ देते थे तो आपको वो भी कवर करना है है ना आपको यूनिट में एक यूनिट दस यूनिट है तो दस यूनिट पूरी कवर करनी है आपको है ना बाग, हाँ हाँ नहीं बेनिफिट है है ना कुछ लोगों को ड्रॉबैक भी है कुछ को बेनिफिट है।, है ना जैसे मेरे टाइम पे जो मैथ्स में मैं अच्छा था तो पचास नंबर की मैथ्स आई थी अब तीस की आएगी मेरे टाइम पे जब वो मैथ्स आता है एप्टीट्यूड रीजनिंग थर्ड पेपर में तो मेरे मुझे बेनिफिट था क्योंकि पचास नंबर का आया है ना पचास में मैंने पचास ले लिया अब तीस का आएगा तो वो तो बेनिफिट और वो तो छोड़ दो यार बेनिफिट तो एक ही है कि एग्ज़ाम पास करना है है ना अब आपके पास ये कुछ एक्सक्यूजेस नहीं है कि ये अच्छा था या वो अच्छा था सबके लिए एक जैसा है है ना जितने बच्चे मेन्स देंगे सभी के लिए एक जैसा है कोई ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग है सबके लिए एक जैसा आपको सबको बराबर तैयारी करनी है और जो अच्छी तैयारी करेगा मेहनत से पड़ेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा है ना तो आपको ये सब ये तो इतना सोचना ही नहीं है नेगेटिव यार कि पैटर्न चेंज हो गया यूनिट्स बन गई याद सब बेकार की बातें हैं आपको तो ये है कि सिलेक्ट होना है मुझे है ना तो अब जो पैटर्न हो गया उस पैटर्न में पढ़ेंगे सब हर कोई स्टेटाइज़ करेगा बस मैं इतना बता रहा था कि जैसे जब मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की तो जब मैंने पहला टेस्ट दिया तो मुझे पता पड़ा कि मेरे पचास से साठ नंबर का छूट रहा है पेपर है ना तो आप टेस्ट दोगे तो आपको पता पड़ेगा जो आपको पढ़ा दिया आपको लिखना जरूर है तो आपको ये पता पड़ेगा मुझे जब मैंने पहली बार टेस्ट दिया जब मैं यू छोड़ के फ्लि नहीं हुआ तो यहाँ का मेंस था तो मेंस देने आया तो जब मैंने पहली बार टेस्ट दिया यहाँ पर मुझे पता पड़ा यार फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन लिखने हैं मैंने एक टेस्ट दिया मुझे पता यार साठ सत्तर नंबर का तो छूट ही रहा है फिर छः पेपर हैं कुल मिला के दो ढाई सौ का छूट जाएगा तो मैं तो वैसे ही बाहर हो जाऊँगा फिर मैंने वैसे स्टेटाइज़ किया कि यार मैं तीन नंबर वाले हैं तीन नंबर वाले में वो जितना पूछ रहा है मैं उतना ही लिखूँगा है ना अगर उसने पूछा कि संविधान किसने लिखा तो मैं बी आर अम्बेडकर ही लिखूँगा मैं आगे पीछे नहीं लिखूँगा कि राष्ट्रपिता या राष्ट्र या कुछ भी नहीं लिखूँगा मैं केवल ये लिखूँगा कि बी आर अम्बेडकर ने लिखा मतलब टू द पॉइंट है ना ताजमहल कहाँ पर अगर उसने पूछा तो मैं लिखूँगा आगरा में आगे नहीं लिखूंगा कि ताजमहल किसने बनवाया था क्योंकि तो आपका टाइम सेव होगा नंबर आपको उतने ही मिलेंगे क्योंकि तो उसने जो पूछा है वो बात आपकी उतने में ख़त्म हो गई है ना अगर आप उसमें आगे लिखने लग जाओगे उसमें लिखोगे कि यार राज ने बनाया था इतने स्तंभ हैं ये है वो है तो आपका टाइम चला जाएगा आप पीछे छूट जाएगा आपका जो पंद्रह नंबर वाले हैं तो आपको स्टडाइज करना पड़ेगा कि हाँ पंद्रह मिनट में मैं जो तीन नंबर वाले ख़त्म करने हैं और बहुत टू द पॉइंट पूछता है आप अगर तीन नंबर वालों का क्वेश्चन बैंक कोचिंग से भी देते होंगे है ना आप देखोगे तो आप ये है कि बहुत लिमिटेड ये खदान कहाँ पे है ये किसने किया ये कहाँ पे है तो आपको वैसे ही लिखना है फिर जैसे छः नंबर वाले होते तो उसका भी मैंने एक डिसाइड कर रखा था यार फोटी फाइव मिनट्स में दूंगा इसको उसमें भी टाइग्रेट अपने दिमाग वही मैं ये बता रहा हूँ आप पढ़ोगे फिर लिखोगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि यार कौन सा मैं बुलेट पॉइंट्स में लिख सकता हूँ जल्दी जल्दी अगर आप डायरेक्ट वहीं आगे अप्लाई करोगे तो आपका दिमाग नहीं चलेगा कि यार इसको तो मैं जल्दी जल्दी बुलेट पॉइंट्स में लिख सकता था और आगे बढ़ सकता था तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे टेस्ट दोगे और ये दोगे टेस्ट दोगे फिर आप जाँचोगे है ना जैसे आप लोग साथ में कलीग्स हो कर रहे हो तैयारी तो ये बताएगा कि यार मैंने तो यार बुलेट्स पॉइंट्स में लिख दिया तो सर ने मुझे अच्छे नंबर दिए क्योंकि सर को भी समझ में आ गया कि यार मैंने छह चीज़ें पूछी थी कि यार इसके एडवांटेज क्या हैं इसने छह बढ़िया एडवांटेज लिखे तो उसको साढ़े चार नंबर तो बाकी दूसरे ने घुमा फिर आगे लिखा पहले एक चार लाइन की कुछ कहानी लिख दी कि ऐसा है ऐसा ऐसा है अब पूछे मैंने एडवांटेज थे मुझे मिले ही नहीं फिर मैंने नीचे पढ़ा तब चेकर भी फिगर आउट कर पा रहा है थोड़ा बहुत तो आपको ला आपको लिख के आपको पता पड़ेगा कि मुझे कौन सी चीज़ बुलेट पॉइंट्स में लिखनी है कौन सी पैराग्राफ में लिखनी है कौन सी मैप है ना कई कई बार लोगों की स्ट्रैटेजी रहती थी मैप बनाओ तो अच्छे नंबर मिलेंगे नहीं आपको मतलब आप जितना लिखोगे ना उसको एनालाइज करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि क्वेश्चन की नीड क्या रहती है है ना कि कहाँ कहाँ आपको मैप बनाना है कहाँ आपको बुलेट पॉइंट में लिखना है कहाँ आपको पैराग्राफ में लिखना नहीं तो मैं पहले जब मैं सिलेक्ट हुआ था लोग मेरे से यही पूछते थे कि सर पैराग्राफ में लिखें कि बुलेट्स पॉइंट में लिखें हमें समझ नहीं आता तो मैंने कहा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ जितनी चेकर को आसानी होगी ना चेक करने में कि वो चाह रहा है मिल जाएगा आप उतना अगर उस ओरिएंटेड लिखोगे ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे इंटरव्यू में इंटरव्यू बहुत रैंडम रहता है कुछ भी पूछ सकते जो क्योंकि अब कोई इसका सेट पैटर्न तो है नहीं है ना तो मैं जैसे मैं अपना इंटरव्यू बता सकता हूँ कि, कि मेरा इंटरव्यू में जैसे मैं गया था तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने इंजीनियरिंग की है तो मेरा सबसे पहले इंटरव्यू था तो जब तक मेरी वो टेफ फॉर्म ही नहीं पहुँचा वहाँ तक और मैं पहले कमरे में पहुँच गया मुझे उनने बोल दिया तो उन मेरे से पूछा कि आपने क्या किया तो मैं बताया कि मैंने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो उनने मेरे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही पूछा दस मिनट पी एन जंक्सन क्या होता है डायोड क्या होता है मैं पैड क्या होता है ये क्या होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सब पूछा उनने दस मिनट तक फिर उनने मेरे जनरल क्वेश्चन पूछे उस टाइम जो योजना चल रही थी जैसे जो योजना है ना मेक इन इंडिया वगैरह और जो भी उस टाइम स्टार्टअप इंडिया चल रही थी ये सब तो इसके बारे में पूछा उनने कि यार स्टार्टअप इंडिया क्या है तो उसके बारे में बताया उन्होंने पूछा कि आप अगर कोई पंचर वाला है तो उसको भी मिल सकता है कैश में तो मैंने हाँ सर अगर वो कुछ डेवलप करता है उसमें जो रिक्वायरमेंट थी कि हाँ पचास लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए तो मैंने अगर वो कुछ ऐसा डेवलप करता है तो फिर उसको भी मिल जाएगा तो बोले कैसे करेगा वो डेवलप तो फिर मैंने यही ओला वाला कंसेप्ट बताया है कि अगर वो किसी ऐप में फिगर आउट कर ले मतलब उसको लोकेशन फिक्स कर दे कि हाँ यहाँ गिराज है यहाँ पर पंचर की दुकान है यहाँ पर ये है है ना और जिसको भी ज़रूरत लगे तो जैसा हम ओला में कैब बुक करते वो अपना सर्विस ले ले और जो भी उसमें कमीशन वगैरह रहता है वो उनका आदान प्रदान कर ले तो वो कर सकता है तो फिर वो उस पर खुश हो गए थे कि यार हाँ अच्छा है, इसका थोड़ा दिमाग चलता है फिर तो उन्होंने बहुत सारे रैपिड फायर पूछना शुरू किए है।, है ना वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है है ना पेन का क्या होता है ये पाँच छः क्वेश्चन ये पूछे तो फिर मैंने वायरस का बता दिया मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और सी एस वाले आए होंगे कुछ उन्होंने नहीं बताया तो वो खुश हो गए है ना कि यार इसको भी पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उसके बाद फिर उनने और दो चार क्वेश्चन पूछे कि क्यों बनना चाहते हो ये वो और फिर एंड हो गया था तो ठीक ठाक नंबर मिले ले मुझे एक सौ पच्चीस में लेते एक सौ पचहत्तर में से ठीक थे हमारे टाइम पे हाईएस्ट एक सौ चालीस थे आप कॉन्फिडेंट रहो इंटरव्यू में ब्लफ मत करो जेनुन रहो जो आपके दिमाग में उस टाइम सही आए वो सही बताओ ब्लफ मत करना कभी इंटरव्यू में ऐसे मतलब आप घुमाने के लिए उसको सोच के मैं उनको घुमाऊँ कुछ ब्लफ करके बता दो नहीं पता और फिर उनको घुम बताऊँ बताऊँ फिर उनको लगे यार ये ब्लफ करता है क्लियर नहीं है इसका माइंड सेट तो आप ब्लफ मत करो नहीं आता तो नहीं आता मना कर दो जहाँ मुझे नहीं आता था तो बोल दिया था कि नहीं नहीं आता कुछ चीज़ें जो जो आप नहीं ऐसी चीज़ें आ जाती हैं मैं जैन हूँ तो जैन पे आ गया तो मैंने बोल दिया कि सर मैं बहुत लिमिटेड जैन हूँ तो मैं बाय सर नेम जैन हूँ जो हमारे मूल हैं वो मैं फॉलो करता हूँ लेकिन मैं लिटरेचर आप अगर पूछोगे जैन लिटरेचर जैन आगम तो मैं नहीं बता पाऊँगा तो आप आप पहले क्लियर कर दो है ना कि कुछ चीज़ें अगर आपसे ऐसे पूछे तो आपको नहीं पता आप नहीं पढ़ा अपन ने टाइम नहीं मिला तो आप बता दो कि नहीं आता मुझे ये चीज़ है तो आगे इंटरव्यू अच्छा रहता है इंटरव्यू तो इंटरव्यू का पोर्सन आपका तब काम का है जब आप मेंस में अच्छा करो इंटरव्यू से आपकी रैंक डिसाइड हो जाएगी आपने मेंस अच्छा किया तो आपका सिलेक्शन पक्का है है ना अगर आपने मेंस अच्छा किया तो एटलीस्ट आपका सिलेक्शन पक्का है इंटरव्यू आपका थोड़ा रैंक इंप्रूव करेगा है ना लेकिन आपका मेंस बिगड़ गया तो आप इंटरव्यू में 140 50 भी ले आओगे ना तो आप मेरिट में नहीं आ पाओगे आप ये कोशिश करना है आपको कि आप मेंस की अच्छी तैयार क्योंकि पंद्रह में से चौदह तो मेन्स के ही हैं है ना मतलब नाइन्टी परसेंट एट्टी सिक्स एट्टी सेवन परसेंट तो पोर्सन मेंस के ही है और दस बारह तेरह परसेंट आपका इंटरव्यू का है तो आपको सबसे ज़्यादा मेंस की तैयारी करनी है आपको वैसे सब गाइडेंस देंगे एक बेनिफिट अच्छा रहता है कोचिंग का कि आपको सब गाइडेंस देंगे सर लोग आपको फॉलो करना है ईमानदारी से कि हाँ टेस्ट अगर रखा है सर ने तो आपको टेस्ट देने आना है सर ने क्लास रखी है तो आपको बराबर क्लास अटेंड करनी है तो आपको मतलब एक एक अच्छा है कि गाइडेंस मिल रहा है अच्छा अच्छा किसी ने शायद ऑनलाइन में पूछा है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं तो मैंने ये बताया कि आप जब नोट्स बनाओ ना तो आपको नोट्स में छपाई नहीं करनी है कि आपने नोट्स बनाए आपने इस किताब में से उतार के कॉपी में लिख लिया आप ये नोट्स की स्ट्रेटजी मैं तो काम नहीं काम की क्योंकि फिर मैं बुक से ना पढ़ के उससे पढ़ूँगा पढ़ूंगा, पढ़ूंगा मैं तो आप शॉट नोट्स मतलब आप उसको कितना शॉर्ट में करते जा रहे हो जैसे अगर पॉलिटी की बात करें एग्जाम्पल तो जैसे मैंने लक्ष्मीकांत बुक थी आप लक्ष्मीकांत बुक आप देखो तो बुक में हर चैप्टर के बाद एक पेज खाली है ऊपर खा लिए साइड में खा लिए आपको जो नोट्स बनाने वहीं बनाने हैं कि आप जब रिवीजन करने एग्जाम के एक दिन पहले जाओ नोट्स का मतलब ये है कि अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले उन नोट्स से पूरा सिलेबस आप रिवाइज़ कर ले रहे हो तो नोट्स का मतलब है कुछ बनाने का नहीं तो आप गट्ठा बनाते जाओगे इतना नोट्स का गट्ठा बन जाएगा कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर पाओगे और इतना इतनी मेमोरी शार्प कम लोगों की होती है कि बिना रिवाइज करके आप एग्ज़ाम में लिखाओ है ना तो मैं नोट्स जितने शॉर्ट की मतलब जो चीज़ पता है तो वो मुझे पढ़नी ही नहीं है दोबारा है ना कि वो तो मेरे माइंड में सेट ही हो गई है है ना कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है तो मेरे दिमाग में सेट है ये कोई भुला ही नहीं सकता क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तब तो मैंने इतने अच्छे से पढ़ लिया तो चार बार लिख भी लिया था है ना कि कितने प्रपोजल रहेंगे कितना बहुमत रहेगा कौन से सदन में प्रस्तावित होगा सब मुझे सेट है तो मुझे इसके नोट्स नहीं चाहिए नोट्स मुझे ऐसी चीज़ के चाहिए कि जो थोड़ी टिपिकल है कि मैं भूल ही जाता हूँ हर बार है ना कि ये तो मैं भूल जाता हूँ तो ये मेरा नोट्स है लेकिन है ना तो आपको बता दूँ जो आप भूल जाते हो किताब में ऊपर नोट कर लो लाल पेन से नोट कर लो हरे पेन से नोट कर लो अपनी थोड़ा बना लो कि लाल वाला मैं ज़्यादा भूलता हूँ हरा वाला कम भूलता हूँ है ना तो आप ऐसे तो नोट्स तब आपका मतलब है और आपने बहुत सारी ढेर सारी चीज़ किसी बुक में से या न्यूज चार जो किताबें रख के आपने यहाँ कर ली कंपाइल वो वो भी चार पेज का हो गया तो आप कैसे समराइज़ करोगे कैसे रिविजन करोगे इसका नोट्स में बता रहा हूँ शॉर्ट होने चाहिए वही चीज़ होनी चाहिए नोट्स में जो आप भूल जाते हो भाषा शैली सबसे आसान भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है तो आप जब कॉपी में लिखो तो समझ में आए है मैं ना कहीं आप बहुत उर्दू की लाइन लेके कोई कविता लिख दोगे बेचारे चह कर कोई समझ नहीं आएगी तो क्या मतलब निकलेगा आप भाषा शैली आसान रखें नॉर्मल हिंदी भाषा में लिखना है ना आपको आप हिंदी भाषा में सरल भाषा में लिखें आप कोई क्लिष्ट भाषा ना लिखें कि चहकर कोई समझ नहीं आए आप आसान भाषा में लिखें भाषा भी आसान मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ भी लिख दें है ना आप जो नॉर्मल हिंदी भाषा होती आप बुक्स पढ़ देना बुक्स हाँ 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 इसलिए हाँ। 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 साइंस तो एक ही निकलता है ना वो वहाँ जाता है आप लिखोगे तो चाहे पॉलिटिक्स में लिखो चाहे हिस्ट्री में तो मतलब तो है कि वो वहाँ जाता है आपको नॉर्मल नॉर्मल सिंपल हिंदी में लिखना है आपको आपको नहीं लिखना लोग लिखते हैं वर्ड ऐसे कि नहीं आते समझ में मुझे भी मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हिंदी के पेपर से थी ना मुझे पर्यायवाची याद होते थे ना मुझे ब्लोम शब्द याद होते थे है ना लेकिन फिर उसका भी आपके पास क्रैक है है ना आप बीस साल के पेपर देखो वही वही पर्यायवाची आता है आप पाँच सौ प्रयावाची याद कर लो लेकिन आते दस में से ही है वो गरिमा का ही आता है हर बार है ना आप देखो अगर आप देखोगे ना तो गरिमा का लांग माँ आप गिनना कभी पेपर में है ना जब लोमसभा आता है वो कम से कम दस बार आया है आप भाई नहीं कर सकते दो सौ याद तो आप वो तो याद कर लो ये तो चांसेस हैं प्रॉबलिटी अस्सी परसेंट आएगा तो आपको कोशिश करनी है कि यार ये तो मैं कर ही लूँ हिंदी में मुझे बहुत प्रॉब्लम थी अपन वैसे हिंदी तो आती है लेकिन अपने ऐसी ग्रामर वाली हिंदी बहुत कम पढ़ी एलेवन ट्वेल्थ के बाद छोड़ दी फिर पढ़ी भी नहीं है ना फिर एम पी बी एस सी की हिंदी थोड़ी टफ है मुझे तो टफ लगी बाकी मतलब जैसे हिंदी वाला सब्जेक्ट है ना तो आप डेली पढ़ो रोज़ पढ़ो एक घंटे है ना तो हिंदी आप तो पूरे एग्ज़ाम की तैयारी करो आप अगर ये सोचोगे कि मैं प्रमिम्स क्रॉस करके क्वालिफाई होने की बात करेंगे तो आप चालीस पचास दिन में भी एग्ज़ाम हो सकता हो सकता है दो महीने मिल जाएं। तो, तो अनसर्टेन हो जाएगा आप अपनी तैयारी पूरी हाँ नहीं बेस देखो एग्ज़ाम की तैयारी ये होती है कि जब आप प्लिप्स दे रहे हो उसके पहले आपका मेंस का सिलेबस भी हो जाए आपका प्लेम्स का भी सिलेबस हो जाए आप सिलेबस को छोड़ो मत है ना अगर आपको पता है कि एग्ज़ाम जून में होने वाला है अगर मान लो अभी क्या चल रहा है अक्टूबर आपको पता है कि अगले साल जून में एग्ज़ाम है प्लेम्पस तो आप जून के पहले मतलब आप कोशिश करो अप्रैल तक आपका सब कुछ हो जाए है ना आपका मेंस का पूरा सिलेबस हो जाए आपका प्लेम्स का सिलेबस हो जाए फिर अप्रैल के बाद आप टोटली प्रिम्स पे फोकस कर सकते हो है ना कि आप टोटली फिर प्लेम्स पे फोकस करोगे प्लेम्स नहीं होगा तो आप आगे नहीं जाओगे जाओ तो आप टोटली मतलब मैं मेरा कहने का मतलब एक एग्जाम प्रलिम्स के पहले तक आपका प्लेम्स मेन्स तैयार हो जाना चाहिए फिर रिविजन ही बचना चाहिए है ना फिर आप पूरा प्लेम्स पर फोकस करो प्लेम्प्स के बाद भी टाइम मिलता है मेन्स का तो आप फिर मेन्स की तैयारी इसमें कर सकते हो एम पी पी एस सी की ये तो मतलब अब इसमें तो मैं क्या बोलूँ <laughs> कि कब से तैयारी करें जब आप जब आप डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे करना है तब तब से तैयारी आप करो है ना नाइन्थ अब हम कैसे बताऊँ मैं ट्वेल्थ में था तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता था है ना लेकिन मेरे साथ कुछ तैयारी करने वाले ऐसे हैं कि उनके घर में से कोई आई था तो उनको एक मोटिवेशन था कि यार हाँ मेरे घर से मामा या चाचा ऐसे हैं अच्छी लाइफ होती है होता है तो उनने सिक्स सेवन से कर दी है ना तो वो वो आप पर डिसाइड आप पर डिपेंड करता है कि आपने कब तय किया कि आप करना है लेकिन हाँ सा, दो साल डेढ़ साल सफिशेंट होता है कि आप अच्छे से तैयारी करो है ना उसको एग्ज़ाम को देने के लिए अपना तो अब ये तो ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है कि कब से तैयारी करें है ना हाँ टेस्ट सीरीज आप देखो जैसे अगर आप कोचिंग में हो अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो जैसे जैसे आपका पोर्शन होता जा रहा है तो कोचिंग में तो लेवस वाइज भी टेस्ट होते हैं फिर ओवर है आप तो कोचिंग में तो साथ में करते जाओ है ना और अगर आप बाहर हो तो फिर आप लिम्स के बाद कर लो लेकिन अभी ये भी ट्रिकी है हाँ मैं मैं मेरा ये कहने का था कि आप टेस्ट जितने दे पाओ उतने दो आप कब से दें कब से ज्वाइन करें ये मत अगर टेस्ट सीरीज़ कहीं चल रही है आपको रीज़नेबल मिल रहा है कि हाँ ठीक है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो आप कर लो टेस्ट सीरीज़ है ना कि यार आपको ये लग रहा है है ना कि आप ये सोचते रहोगे कि यार मैं कब करूँगा फिल्म के बाद करूँगा तो फिल्म के बाद टाइम निकल जाएगा है ना तो आप आपको जब लग रहा है कि हाँ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ मेरा ठीक है फिफ्टी परसेंट सिलेबस हो गया ये हो गया और मुझे अच्छी कोचिंग है अच्छा मिल रहा है टेस्ट सीरीज़ मेरे बजट में है तो मैं कर लेता हूँ आप जितनी जल्दी कर लोगे जितने ज़्यादा टेस्ट लिख लोगे आपको उतना बेनिफिट होगा मैं मेरा बिलीव क्या लिखने में बहुत था मैं पढ़ने में मुझे बोरियत थी लिखने में नहीं थी तो मैं पढ़ता था फिर उसको लिखता रहता था बैठे बैठे पेपर लिख लिए टाइम लगा लगा के है ना कि अपने टाइम लगा लिया तो वो जैसे अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर को आप करंट के जैसे ही फॉलो करना है कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है अब आप, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो गई कि रेडीमेड मटेरियल बहुत आने लगा है ना तो आपके अगर पेपर पढ़ने की हैबिट नहीं है तो आपको कोचिंग का है मटेरियल कंपाइल करके देते हैं आप उसको पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर से पढ़ें लेकिन रिपीटेशन नहीं करना है आपको कि आप चार जगह से एक ही करंट पढ़ रहे नहीं करना आपको फिर आपका टाइम वेस्ट जाएगा करंट तो करंट है वो चेंज नहीं होगा आपने न्यूज़पेपर से पढ़ा कोचिंग से पढ़ा तो न्यूज़ पेपर और कोचिंग में ये रहेगा थोड़ा अंतर कि बस न्यूज़ पेपर में आपने पढ़ा है कोचिंग में आपको एनालाइज करके देंगे कि अच्छा हाँ ये डेवलपमेंट हुआ है तो ये यहाँ यहाँ काम आ सकता है ये इससे रिलेटेड है ये इससे रिलेटेड क्योंकि तो जब हम नए तैयारी करते तो हम रिलेट नहीं कर पाते चीज़ें तो आपको सर लोग भी बताएंगे मैं भी आऊँगा तो बताऊँगा कि हाँ ये यार आप यहाँ लिख सकते हैं है ना ये डेवलपमेंट आप यहाँ लिख सकते हैं तो आपको करंट अफेयर तो बहुत मेजर पोर्शन है कि आपको करना है मतलब आप छोड़ना ही नहीं, नहीं है आपको डेली पढ़ना ही है करंट जो रोज़ डेवलपमेंट हो रहा है वो आपको पढ़ना हैंड राइटिंग में इतना है कि आप, आप इतनी ऐसी भी राइटिंग लोग होगी कोई पढ़ नहीं पाएगा तो फिर वो नंबर कैसे देगा तो आपको हैंड राइटिंग मतलब प्रजेंटेबल तो इतनी थोड़ी सी हो कि हाँ पढ़ने में आ जाए है ना बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है और कंटेंट खराब है तो नहीं मिलेंगे आपको नंबर क्योंकि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखता हूँ एकदम मोती जैसे अक्षर और कंटेंट आपका कुछ नहीं तो नहीं मिलेंगे आपको नंबर तो आपकी रहेंड राइटिंग ऐसी भी होनी चाहिए कि पढ़ ही नहीं पाओ है ना कि एकदम ही गोल गोल अक्षर कहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब वो तो आपको जब कोचिंग में पेपर चेक होंगे तो आपके सर बताएंगे यार कि तूने लिखा क्या है तू पढ़ के बता मुझे तो आपके सर नहीं पढ़ पा रहे तो चेकर भी नहीं पढ़ पाएगा तो आपको मतलब इतनी तो लिखनी है ना कि आप वो अच्छे से पढ़ ले है ना तो आप एम के लिए एम के लिए तो एम के जो दैनिक आते दैनिक जागरण दैनिक भास्कर क्योंकि एम से रिलेटेड ही पूछते हैं तो आप ये कर सकते हैं फॉलो आराम से इंग्लिश एम का एम का तो इंग्लिश पेपर हिंदू अच्छा है पेपर आप हिंदू पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं इन एम में क्या फैक्चुअल ज़्यादा पूछते हैं पी में मैंने ऐसा देखा तो आप हिंदी में देखो हम हिं, हिंदी भाषी हैं तो आपको इतना आप में अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप में इतना वो होना चाहिए कि मैं हिंदी में पढ़ के इंग्लिश में लिख लूँगा है ना इंग्लिश में पढ़ के हिंदी नहीं कर पाएँ बात लगे ना मैं हिंदी में पढ़ूंगा जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने आज हेडलाइन पढ़ ली कि हाँ दो तो हज़ार इक्कीस वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में तो मैं इंग्लिश में लिख लूँ इसको है ना तो आप हिंदी न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर से पढ़ लें फैक्चुअल रहता है कोई आपको लैंग्वेज का इतना इशू नहीं आएगा उसमें अगर आप इंग्लिश मीडियम से दे रहे हो तो आप हिंदी में अगर आपने दैनिक भास्कर पढ़ लिया तो मुझे लगता नहीं कि आप अगर इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दे रहे हो तो आप उसको कन्वर्ट करके लिख नहीं पाओ भाषा में है ना क्योंकि हम धीरे 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 आपकी हैबिट हो जाती है कि यार हिंदी में पढ़ाए तो वहाँ अपने आप आता है जवान पेपर तो यार देखो क्या रहता है कि न्यूज़ तो सेम ही रहती है लगभग हाँ हाँ तो आप, आप जिस में कंफर्टेबल हो ना आप वो पेपर पढ़ो मैं मैं तो कोई रिकमेंड नहीं करूँगा मैं बोल रहा हूँ जिस में आप कंफर्टेबल हो मैं केवल न्यूज़पेपर के लिए नहीं बोल रहा हूँ है ना जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल नहीं हो ना आप वो पढ़ोगे तो आप कर नहीं पाओगे जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो ना आप वो ही करो है ना जैसे पॉलिटी है ना चार किताबें हैं डीडी डी बसु भी है लक्ष्मीकांत भी है और दो तीन किताब लेकिन आप कंफर्टेबल किस में जैसे हम लोग तैयारी कर रहे थे तो एट्टी परसेंट लक्ष्मीकांत पढ़ते थे लेकिन कुछ डी डी बसु भी पढ़ते थे कि बोलते थे कि मुझे लक्ष्मीकांत सही नहीं लगता उसका पैटर्न सही नहीं लगता समझ में नहीं आता तो वो डी डी बसु में कम्फर्टेबल है चीज़ एक ही है है ना जो ये बताएगा कि इंपीचमेंट और प्रेसिडेंट क्या है वही डी डी बसु बताएगा वही तीसरी किताब बताएगा लेकिन मुझे इसका फ्रेमिंग अच्छी लगती थी लक्ष्मीकांत की तो मैं लक्ष्मीकांत पढ़ता था आपको डी डी बसु अच्छी लगती है आप डी डी बसु पढ़िए तो यही दैनिक भास्कर भी लगभग लगभग वही बताएगा है ना जो पी में आना वो है वो चीज़ें तो सेम रहेंगी बाकी उनके इंडिविजुअल इशूज रहते हैं कि हाँ इधर ये हो गया उधर वो हो गया वो आपके पीएससी में आना नहीं है आपको तो जो मेजर डेवलपमेंट है गवर्नमेंटल डेवलपमेंट है हाँ पहले तो आप मतलब क्वेश्चन में जो नीड है बिल्कुल है ना आप उससे भटकिए मत है ना जैसे हमने क्या बहुत सारा पढ़ा रहता है तो अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है यार आपको उतना ही लिखना है आप अगर उसमें दो और जब आंस जो व्यक्ति चेक कर रहा है ना तो उसने क्वेश्चन में जो पूछा है ना तो अगर उसको शुरू की पांच लाइन में अच्छा मिलेगा है ना समय वो वर्ड लिमिट भी आपकी पचास कर दी है ना तो पचास में अगर आपने वो वो चीज़ें लिख दी तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे है ना जैसे कोई अगर क्वेश्चन आप उठा लें अगर मान लो उसने पूछ लिया प्रेसिडेंट के पावर पूछ लिया आपसे है ना अगर पेपर में आया कि अब कितने नंबर में आया ये आपको अगर पाँच नंबर में आया है ना प्रेसिडेंट है ना तो अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो उसमें सात तरह के पावर दिए हैं पॉइंट्स बना के लैजिस्लेटिव लेजले, पावर अलग दिए हैं एग्जीक्यूटिव अलग दिए हैं पार्टनिंग पावर अलग दिए हैं तो आप ऐसे करोगे तो सात प्रकार के पावर हैं तो आप पाँच नंबर में है ना एग्जीक्यूटिव पावर लिखो एक लाइन में डिफाइन कर दो है ना जो उसका मेजर पोर्सन है एग्जीक्यूटिव में है ना कि वो स्टेट हेड होता है वो है ना फिर आप लेजिस्लेटिव लिखो तो कि उसमें लिख दो कि यहाँ सभी जितने बिल रहते हैं वो वहाँ जाएंगे है ना उनके ऑथोरिटिकेशन के लिए है ना फिर आप पार्डनिंग पावर लिखो तो पार्डनिंग में दो तीन प्रकार की उनके रहते हैं वो लिख दो तो मैं बता रहा हूँ कि आप स्पेसिफिक उसने क्या पूछा है पावर ऑफ प्रसिडेंट आपको बुलेट पढ़ आपको मतलब क्लियर रहना चाहिए यहाँ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पार फिर आपको सोचना नहीं है कि आप एग्जाम में बैठ के सोच रहे हो कि क्या पावर है आपको मतलब आपने पढ़ा था लक्ष्मीकांत में ये फ्रेमिंग थी तो लगभग लगभग आप अगर वो फ्रेमिंग भी लिख दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे ना आप घुमाओगे पहले लिखोगे है ना कि प्रेसिडेंट इस आर्टिकल में है फिर प्रेसिडेंट के बारे में चार चीज़ें लिख दोगे महामीम बोला जाता है फिर ऐसा होता है फिर वैसा होता है घर मिलता है गाड़ी मिलती है तो हाँ बस मिस गाइड हो जाओगे पावर क्या है पावर पूछे ना कितने प्रकार के पावर होते हैं आप पावर लिखिए एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पार्डनिंग आप सी टू द पॉइंट तो आपको भी क्लियर रहेगा चेकर को भी क्लियर रहेगा और समय की बचत हो जाएगी आपकी है ना तो जब आप पढ़ोगे लक्ष्मीकांत में जब जब आपका चैप्टर पूरा हो जाता ना तो आप ख़ुद क्वेश्चन फ्रेम करके है ना कि इम्पिचमेंट प्रेसिडेंट क्या है आपने लिख लिया है ना उसको आप तीन तरीके से लिखो है ना तीन नंबर में आए तो क्या लिख सकते हो आप सबसे अच्छा पॉइंट क्या है नंबर में कौन से पाँच अच्छे हैं पंद्रह आ जाए तो क्या अच्छा है मतलब आप अगर आपने ये ये भी आपने सीख लिया ना थोड़ा कि मैं उसी क्वेश्चन को तीन पाँच पंद्रह में कैसे लिख सकता हूँ तो आप क्रैक कर लोगे हाँ इंटरनेट से देख लो आप बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं कोचिंग वैसे मोस्टली करंट डेवलपमेंट जो होता है उससे आता है पूछते हैं आप करन बुक आती है फिर वो 400 पेज की बुक आती है फिर आप पढ़ना शुरू करोगे जी एस एल पी एस एल बी फिर इधर उधर 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 बहुत टाइम चाहिए आपको घंटे जो अनसर्टेन पोर्सन है उसको आप फिल्टर कर, -कर करके पढ़ो तो अच्छा रहता है बाकी साइंस टैंक जैसे रहता है कि कोचिंग में तो कोचिंग में कराते होंगे सर बढ़िया आप उतना पोर्शन पढ़ लेंगे तो हो जाएगा आपका और किसी को कुछ पूछना हो कोई हाँ हाँ हाँ, हाँ। एक बार करके तो देखो जितने एक्सपेरिमेंट करने कर लो यहाँ पे पहले जितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कर लो अभी तो दिया होगा ना सबने प्रिलिम्स हुआ था अभी कुछ दिन पहले अभी नहीं दिया इस क्लास में से किसी ने नहीं दिया दिया है अभी मेंस की चालू कर दी तैयारी आप लोगों ने किस चीज़ की एमपी में तो आप हिंदी में भी दे सकते हो इंग्लिश में भी दे सकते हो हाँ हाँ तो दे सकते हो को, कोई कोई कंपल्सरी नहीं है वो पहले आपसे पूछते ही नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम में अब ये है कि जैसे वो आपसे हिंदी में पूछ रहे हो आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो थोड़ा अच्छा नहीं रहता है अगर वो आपसे हिंदी में पूछ रहा है, आप, रहा तो आप, हिंदी पूछ रहा है आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप बता दो हिंदी में है नगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं हम हाँ कोई नहीं कोई माइंड नहीं कहीं नहीं लिखा कहीं नहीं लिखा एम पी में आप अगर इंटरव्यू हिंदी में देते हो तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा उसलिए हिंदी में ही पूछते हैं वो इसलिए हाँ हाँ हाँ, हाँ।, 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 हाँ। हाँ 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 ये तो है कि कंटेंट तो इतना व्हाट्सएप कंटेंट इतना हो गया कि बहुत ज़्यादा हाँ हाँ हाँ, हाँ। आप मतलब जो हाँ जेनविन और आपके आपके लिए जो ठीक है आप उससे ही करें है ना आप और मैंने ये देखा कंटेंट ढूंढने में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें अगर आपने एक चीज़ सोच ली है कि हाँ यार मैं इस चीज़ से पढ़ूंगा तो आप उस पर स्टिक रहिए है ना अब अगर आपने आपको किसी ने बोल दिया कि वो बैंकिंग कोचिंग से पाँच क्वेश्चन फंस गए थे तो हो सकता है आप जिस बुक से पढ़ रहे हो उससे भी वो पाँच आए लेकिन आपको नहीं पता कि वो कहाँ आए पाँच है ना तो आप ये किसी के कहने में नहीं जाएं आप अपना खुद डिसाइड कर लेंगे मुझे कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ आप पढ़ रहे हो तो आपको कहना चाहिए कि हाँ अब ये मेरे दिमाग में है तो आप उस चीज़ से पढ़ो है ना आप ये मत सोचो कि ये बैंकिंग कंटेंट की तो हाँ बाढ़ आ गई ये तो मैं मानता हूँ कि कंटेंट बहुत है तो आप मिसगाइड मत हो कि आप स्टिक रहो अपनी एक उस पर टाइम तो आपके पास तो टाइम ही टाइम है आप खाओ पियो सो और पढ़ाई करो आप और क्या काम है आपके घर में आपको पेरेंट्स बोल रहे हैं कुछ काम करने के लिए तो ठीक है नहीं बोल रहे हैं तो आपके पास एक ही काम है स्टूडेंट आप जब हो तो आपके पास एक ही काम है सोना खाना अच्छे से सो आठ घंटे की नींद लो ये भी नहीं आप उठ गए चार बजे से उठ गए हैं किताब पर ध्यान ही नहीं है आप दस बजे सो जाओ सुबह छः बजे उठो सात बजे अपना पढ़ा स्टार्ट करो है ना तो आपके पास यही काम होने चाहिए मैं तो यही बोलता हूँ मेरे से बोलते कितने घंटे मैंने आपके पास काम ही यही है आप पढ़ाई करो खाओ पियो सो नहीं मन लग रहा तो कुछ आप इंटरटेनमेंट के लिए आपकी जो हॉबी है मूवी देखना है या थोड़ा क्रिकेट खेलना है या जो भी आपकी हॉबी आप वो भी कर सकते हो कहीं वो छोड़ना नहीं है है ना मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा आपका तो आप मतलब जो भी है मतलब बाकी टाइम आप पढ़ने के लिए टाइम दो अपना जितना भी आपका टाइम है आपके पास जैसा कम्फर्टेबल हो आप बाकी जैसे है ना अब ऐसा नहीं होना चाहिए आपने एक पूरा पढ़ डाला दूसरा पढ़ रहा है तो पहला वाला साफ हो गया तो उसका रिवीजन करते जाओ आप जितना पढ़ते जाओ उसको रिवीजन करते जाओ जैसा सही लगेगी एक साथ सबकी अलग अलग हैबिट होती है है ना किसी ने बुक ली है तो सब जल्दी जल्दी पढ़ पढ़ के वो ख़त्म कर देता है किसी की रहती दो चैप्टर पढ़ लिए फिर जोग्राफी पढ़ लिया फिर थोड़ा करंट पढ़ लिया है ना तो अपनी अपनी स्ट्रैटी है जैसा कम्फर्टेबल आप हो मतलब गोल तो यही है कि आपको सिलेबस कम्प्लीट करना है ना तो आप जैसा पढ़ना चाहो वैसे जब फर्स्ट टाइम पढ़ते तो कंटिन्यूशन में पढ़ लेना चाहिए फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो तो कंटिन्यूशन में कंटिन्यूशन टूट जाएगा तो फिर जब दोबारा पढ़ोगे तो वो पुराना वाला पहले पढ़ना पड़ेगा है ना तो आप अगर कंटिन्यूस में पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आप पंद्रह दिन का बना लो टारगेट यहाँ इसको कर लेंगे अपन तो कंटिन्यूशन में एक पहली बार जब पढ़ रहा हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कंटिन्यूशन में पढ़ें है ना कि कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते जाएँ तो आपका कंप्लीट हो जाए हाँ फिर आपको थोड़ा शुरू से तो देखना पड़ेगा या फिर आप चैप्टर पढ़ोगे तो फिर जब जब पीछे का रेफरेंस आएगा तो पलटा के देखना पड़ेगा फिर हाँ कि कहाँ था क्या था तो टाइम वेस्ट होगा तो आप एक बार तो पढ़ लो हाँ हाँ फिर कोई जो आपको ज... इजी जो लगे वो पढ़ लो पहले जो इज़ी लगे पहले हाँ कि डिमोलराइज ना हो कि नहीं बन रहा नहीं याद रह रहा तो जो इज़ी रहे वो पढ़ लो पहले जो आपको ईज़ी लगता हो याद हो सकता है कई बार कई बार ऐसे होते हैं अपन उस बैकग्राउंड के होते हैं किसी ने जैसे हिस्ट्री से बी एम किया है तो हिस्ट्री से स्टार्ट कर दें तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार इस हिस्ट्री मैंने अच्छा कर लिया है ना आप जो सब्जेक्ट आपको सही लगे मतलब पढ़ना तो पूरा है आगे पीछे कभी ये कभी वो पढ़ना आपको पूरा है तो आप डिसाइड करें कि आपको बेस्ट एम पी जी के आप वैसे आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं ना आप वहाँ का फॉलो करो एम पी जी के सब जगह एक जैसा है आप किसी मार्केट से जब मैं बताऊँ मेरे टाइम पे इतनी सारी बुक आती थी, थी कहीं चंचल आई की कर और फिर और भी इतनी सारी बुक आती थी जब हम लोग मैं जाता था राजवाड़ा में इंदौर में था तो देखता था तो करंट की वो ऐसी दुकान के आगे करंट के ही लगे रहते थे सारे है ना चंचल भी है समसमाई की भी है और और दो चार है ना मूमल उमल ये पता नहीं कितने ब्रांड है ना आप खोल के देखोगे ना तो चालीस पन्ने सेम है है ना तो आप तो जहाँ से फॉलो कर रहे हो एम एम पी जी के करंट का ना एम पी जी के हाँ तो ये हमने भी ये बुक बनाई है एम पी जी के की ये भी अच्छी है तो हमारे गाइडेंस में ही बनी है आप लोग बढ़िया फॉलो कर सकते हो है ना मैं क्या थोड़ा आउटडेटेड हो गया तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि अब कौन सी बुक चल रही है क्या है है ना लेकिन ये ये मेरे मार्गदर्शन में बनी है मेरे और और भी दो चार सिलेक्टेड जो हैं आप अच्छा से फॉलो करें इसको भाषा का मैंने बताया ना आप सरल अगर हिंदी मीडियम से तो सरल हिंदी में इंग्लिश मीडियम मैं है तो सरल इंग्लिश में नॉर्मल इंग्लिश में आप लिखें भाषा ये, हाँ। ये 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 बुक है सर के मतलब हमारे सर के गाइडेंस में और हम लोगों ने मिलके थोड़ा इसको बनाने की कोशिश करी है आप लोग फॉलो कर सकते इसको તમને માર્કેટમાં ભી દે દેવી છે કે એવી